So welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing very good. And आज की जो मेरी itinerary है, जैसा पिछला वाला जो vlog था वो kind of walk around vlog था इस old city का. और आज का जो मैं vlog मतलब आज जो मैं सोच रहा हूँ जाने का, the first of all city palace, then you can see that palace right up at the hill. उधर पहाड़ी पे जो सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस है उधर जाने का मैं सोच रहा हूँ. लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू सिटी पैलेस और थोड़ा सा सिटी पैलेस को एंजॉय करेंगे. पहले मैं जा चुका हूँ सिटी पैलेस, बट अब वापस से जाने का है. सो लेट्स गो. कम. सो एज यू कैन सी, मेरे पीछे सिटी पैलेस की एंट्रेंस है. These are the two tickets of me and my brother. And tickets की जो cost है वो 300 rupees है, but मेरे student ID की वजह से 100 rupees में मेरे को ticket मिला है, including camera. अगर आप student ID पे ticket लेते हैं तो आपको जो आपका DSLR है, camera है, वो आपके allowed होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं entrance बहुत सुंदर है, बहुत vast है, अच्छी entrance है. So let's get inside first. Then shoot some productive videos. So as you can see, मेरे पीछे उदयपुर का सिटी पैलेस है. जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पैलेस है ये. और जैसा कि मेरे नॉलेज में है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट पैलेस इन राजस्थान. एज इफ मैंने जैसे सिटी पैलेस कवर कर रखा है, उम्मेद भवन पैलेस कवर कर रखा है, एंड दिस ब्यूटी, दिस ह्यूज स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह आके मेरे को. मतलब जो ऐसी जगह होती है ना कि मतलब लोगों को मॉल पसंद होते हैं, ये सब, मेरे को ये सब चीज़ें पसंद है क्योंकि इससे हमको हमारे कल्चर के बारे में जानने को मिलता है और अच्छा लगता है ऐसी जगह आके. और मैं थोड़ी इसकी नॉलेज मैं भी गेन करूँगा आज और आपको भी बताऊँगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय गोइंग इनसाइड. Let's drink some water first. Okay. As you can see, मेरे पीछे this, मतलब हमारे राजस्थान का जो structure है वो कितना अच्छा है. और I think कि जो हमारी राजस्थान की ये prestige है ये हमेशा ऐसी ही बनी रहे. और उदयपुर पैलेस आना मेरा हमेशा से बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं उसको, बकेट लिस्ट में रहा है इसको कवर करना. और आज मैं कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक्स टू माय मम्मी पापा. एंड लेट्स गेट इनसाइड द पैलेस. एज यू कैन सी, दिस इज द एंट्री ऑफ पैलेस. एज यू कैन सी, बैगों को सैनिटाइज किया जा रहा है. नाउ द नॉर्मल प्रोटोकॉल. जितना मिनट से होता है मैं उतना कवर करूंगा क्योंकि फोटोग्राफी भी करनी है साथ ही साथ. टिकट सर. सो मेरे पीछे की जो साइड है उसमें सारी की सारी कुछ स्पेशल पेंटिंग्स और पेंटिंग्स के बारे में है. जैसे प्लीज विजिट द फर्स्ट साइड एंड लेट मी शो यू द पेंटिंग्स हियर. ये हल्दी का पेंटिंग दिस इज द हल्दी घाटी गैलरी. एंड एज यू कैन सी आवर वेरी ओन ब्रेव महाराणा प्रताप जी विद हिज हॉर्स चेतक. एंड यस, अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही स्पेशल है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. सामने महाराणा प्रताप जी के जो तलवार हैं
उनके तीर हैं, उनके भाले हैं, वो सब दिए गए हैं। ये उनकी पोशाक है महाराणा प्रताप जी की, और बहुत अच्छा नॉस्टैल्जिक देख के इन सब चीज़ों को लग रहा है। दैट्स वाई आई लव टू विजिट दी पैलेसेस, क्योंकि इस समय हमको हिस्ट्री जानने को मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स गेट समवेयर एल्स इन द पार्ट ऑफ पैलेस एंड आई विल शो यू दैट। लेट मी डू सम फोटोग्राफी नाउ। सो इट इज़ बीइंग वेरी टफ टू मेक अ व्लॉग विद वाइल डूइंग फोटोग्राफी, बहुत ही हेक्टिक हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सब कवर करूँ। और अभी मैं आपको उधर का दिखा रहा था, और नाउ यू सी दिस स्टेयर्स, ऑब्वियसली माइंड योर हेड, स्पेशली फॉर अ गाय लाइक मी ऑफ हाइट हैविंग 6'3". सो मैं अभी अंदर महल के अंदर घूम रहा हूँ, पैलेस के अंदर घूम रहा हूँ जैसा आपको पता है। और ऐसे जो जरोखे टाइप होते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और एज यू कैन सी द व्यू, जस्ट लेट मी स्विच द कैमरा। द व्यू इज सो मेसमराइजिंग, कितना अच्छा व्यू है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये लेक पैलेस है, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट होटल इन द वर्ल्ड। And yes, this is the beautiful part of palace. So, जैसा कि हम जानते हैं कि जो राजपूत कल्चर है वो हमेशा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, काफ़ी ब्रेव रहा है। और उदयपुर और चित्तौड़ का तो अपने आप में बहुत एक अच्छा इतिहास है। और इस फोटो की बात करें तो इस फोटो में जैसे लिखा हुआ है महाराणा फतेह सिंह की विजय में और अपने घोड़े मन प्यारे से अंबा माता के दर्शन करने बाढ़ में गए थे। अब उसका ये ड्राइंग पेंटिंग के थ्रू उसको बताया गया था, महाराणा फतेह सिंह जी को इधर दिखाया गया है और ये नदी क्रॉस करते हुए बाढ़ आई हुई थी, तो भी उन्होंने दर्शन करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया था उस टाइम। बट सो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस जगह का ऑरा है, इस जगह का मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ये कितना ज़्यादा वर्क करता है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो मैं जितने भी मेरे जानने वाले हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले प्लीज़ पैलेसेस घूमिए। पैलेसेस घूमने से आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपको अपने कल्चर के बारे में भी पता चलेगा। जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर, दिस इज़ अमेजिंग। पास की जगहों के लिए थे तो जब कोई जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, हैरी पॉटर में आपने देखा होगा कि उसका जो आउल होता है वो उसके लेटर्स ले लेके जाता है, तो वैसे ही इधर केज है पिजन्स का। इधर काफ़ी सारे शहरों से पिजन्स को लाया जाता था, इधर रखा जाता था, और जब कोई न्यूज़ पहुँचानी होती थी कहीं और तो उस पिजन जो जैसे अगर पिजन जोधपुर का है और जोधपुर कोई न्यूज़ पहुँचानी है तो उस पिजन को लेटर देके यहाँ से जोधपुर के पिजन को उड़ा दिया जाता था, जिससे कि वो लेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो जैसा आप देख सकते हैं इधर मैक्सिमम जो जगह हैं उनका स्पेसिफिक कैसे किया जाए, ये हर चीज़ें ये कमरे ही हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, जहाँ पे वो अपनी रानियों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा मेंटेनेंस है, काफ़ी सारे फाइव स्टार होटल भी इतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं रख सकते जितना अच्छा मेंटेनेंस हमारे ये राजस्थान के पैलेसेस, बाहर के पैलेसेस 400-500 साल से कर रहे हैं, 3-4 सेंचुरी बीत रही है तो भी इतना अच्छा रख रहे हैं। काफ़ी जगह नहीं किया जाता फॉलो चीज़ों को, बट इधर राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से अपने कल्चर को समेटा जाता है, कल्चर को साथ में रखा जाता है, कल्चर को आगे लेके जाया जाता है, तो उससे हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अरे यार, सो जितना इस पैलेस के बारे में बताऊं उतना कम है। इधर घूमते घूमते सीरियसली मेरी हालत अब ख़राब हो रही है,
बट नहीं, हम घूमेंगे, जिसलिए आए हैं वो पूरा टूर वसूल करके जाएंगे। और मैं जिधर हूँ, ये मोती महल है, इसको मोती महल कहते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, इसकी सीनरी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा इसको आर्किटेक्चर दिया गया है। और एक फ्रेम देखो, जस्ट लुक एट दिस फ्रेम, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। दूसरे महल की साइड में आ चुके हैं, और दूसरे महल की साइड में आने के बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह हुआ करती है हर महल में जहाँ पे दासियाँ रहती है, जहाँ पे सारी रानियाँ रहती हैं। तो उस महल के जो मेरे सामने जो महल है, वो वही महल है। तो आप देख सकते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था वो दासियों का हुआ करता था, ऊपर वाला फ्लोर रानियों का हुआ करता था। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैलेस है ये। और सोचने की बात ये है कि इधर काफ़ी सारी बहुत हाई लेवल की शादियां हुआ करती हैं। जैसा आपने सुना होगा, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई थी, वो इधर ही हुई थी। और मतलब दिस इज़ सो प्रेस्टिजियस पैलेस, एंड सीरियसली रियली अप्रिशिएटिंग। ये सारी पालकियाँ हैं। अब पालकियाँ, आप लोगों को पता होगा पालकियाँ क्या होती है, मतलब उस पे राजा और रानियों को, मतलब राजा और रानियाँ उस पे जाया करते थे, चार जने मिलके उठाया करते थे इन सबको। उस टाइम मतलब हम ये सोचे कि उस टाइम कितनी ज़्यादा ताकत रहा होती होगी लोगों में, जो ऊपर राजा भी बैठे हैं और रानी भी बैठे हैं, या फिर रानी बैठे हैं या फिर सिर्फ राजा बैठे हैं, और वो इतने भारी वाहन होते थे ये उस टाइम के, इतने भारी वाहनों को उठाते थे वो लोग चार जने मिलके। आई थिंक इसमें 8 जने लगते हैं इस वाली पालकी में। बट यस, दिस इज सीरियसली वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिस इज, इसको क्या कहते हैं सर, डोली। दिस इज अ डोली, सच अ ब्यूटीफुल पालकी, महाजान पालकी, 19वीं सदी उत्तराद्र, 20वीं सदी पूर्वाद्र। सो नाउ वी आर गोइंग टू द सिल्वर गैलरी, चांदी की जो गैलरी कहा जा सकता है हिंदी में अगर बोले। ये मंडप हुआ करता था पुराने राजघरानों में, जब शादी टू बी वेरी क्लियर, ये सारा चांदी का है। सो ब्यूटीफुल यार, नो वर्ड। अभी आप अंदर आइए, वॉच दिस। दिस यूज टू बी कॉल्ड द रॉयल कैरेज। कभी राजा महाराजा महाराणा जब कहीं जाया करते थे तो ये उनकी सवारी हुआ करती थी, रॉयल कैरेज इसको कहा जाता है। बाय द वे, दिस इज द ऑथेंटिक वन, एज इट कॉल्ड द म्यूजियम। ये चांदी की चेयर देख सकते हैं, ये भगवानों की पालकियां, आई थिंक वही होनी चाहिए। सो थोड़ा सा मास्क हटाते हैं, काफी देर से मास्क लगा रखा है, जैसा आप देख रहे हैं कि अभी आसपास कोई नहीं है। और
मैं सच बताऊँ, मैंने जब छोटा था तब ये घूमा था, बट नाउ जब मैं आया अभी, दिस पैलेस इज़ रियली वेरी बिग, सीरियसली बहुत बड़ा पैलेस है, और मेरे को बहुत भूख लग रही है अब। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर। और इस पैलेस के बारे में और मैं क्या कहूँ, मैंने आपको उस गैलरी से बताया था कि इधर रानियों का है ऊपर की साइड में। सो आप जान सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा राउंड है। ऑलमोस्ट पैलेस के अंदर आप चलते चलते शायद 4 से 5 किलोमीटर चल लोगे, सॉरी 4 से 5 किलोमीटर नहीं, 2 से 3 तो कहीं नहीं गए, 2 से 3 किलोमीटर आप आराम से पैलेस में वॉक कर सकते हो। और रियली मेरे जैसे हेल्थ के आदमी को, लड़के को इधर रोज़ आना चाहिए, चाहे वो पतला हो जाएगा इसी बहाने। सो आई थिंक मेरे को ये वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बैटरी भी इतनी नहीं है फ़ोन में, और अगर रहा तो मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियोज़ दिखाता रहूँगा, इसी के वीडियो में एडिशन रखूँगा। सो फॉर यस्टरडेज व्लॉग एंड टुडेज व्लॉग, दोनों की एंडिंग साथ में की जाए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़रूर जो इधर के पैलेसेस हैं वो ज़रूर घूमिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, फैमिली के साथ आइएगा, और ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, _pulkitcw। थैंक यू।